आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर रही है। सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में भी इस अवसर पर विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। आज से 11 जून तक ये अभियान चलेगा। इस अभियान के लिए विशेष रूपरेखा तैयार की गई है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बृजेश लूणावत ने भोपाल में बताया कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे और उन्हें सरकार की उपलब्धि और योजनाओं की जानकारी देंगे। इसमें बूथ लेवल पर 50-50 वोटरों को केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके विकास कार्य बताए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 27 मई को भोपाल में प्रबुद्ध नागरिकों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 44वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ उनकी सरकार का प्रमुख लक्ष्य लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाना है। इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। श्री चौहान ने कल विकास यात्रा के दौरान सीहोर जिले के बालागांव और खत्याखेड़ी में ग्रामीणों से जनसंवाद में कहा कि मैं जनसेवा की ऐसी लकीर खींचना चाहता हूँ जिसे कोई मिटा ना सके। उन्होंने ग्रामीणों को सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बताया कि पिछले वर्ष गेहूं उपार्जन पर 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दी गई प्रोत्साहन राशि उनके खाते में जमा करा दी गई है। इस वर्ष गेहूं पर 265 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस राशि को 10 जून तक उनके खाते में जमा करा दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। इस वर्ष 83.01% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1% अधिक है। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.result.nic.in और www.cbseresult.nic.in तथा www.cbse.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा छात्र अपने परीक्षा परिणाम उमंग मोबाइल एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कल से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में राज्य सरकार की किसान उन्मुखी नीतियां और संगठनात्मक संरचना को और मजबूत बनाने के लिए जनसंवाद करेंगे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कल आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में भाग लेंगे। बाकी मोर्चा के पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी आज राजधानी भोपाल के शहजानी पार्क में किसानों की कर्ज माफी और फसल का 1.5 गुना दाम जैसे मुद्दों को लेकर अनशन शुरू कर रही है। पार्टी के प्रदेश संयोजक ने बताया कि अनशन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय नेता भोपाल आएंगे। अनशन के कार्यक्रम को प्रतिदिन पार्टी का बड़ा नेता संबोधित करेगा। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। हालांकि कल कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई। खजुराहो में पारा लगभग 3 डिग्री और नौगांव में करीब 2.5 डिग्री कम होकर 44.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सिर्फ 4 शहरों में कल पारा 45 डिग्री या उससे ऊपर रहा। अन्य शहरों में तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहा। प्रदेश में सबसे गर्म उमरिया रहा, जहाँ तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 43.7 और न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव के पिता के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक संवेदना व्यक्त की है। छिंदवाड़ा में स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 35 महिला समूह ने भाग लिया। उमरिया जिले के बीर सिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी विद्युत ताप परियोजना की 2 नंबर की इकाई के टर्बाइन में खराबी होने से विद्युत उत्पादन बंद हो गया है। राज्य महिला आयोग की संयुक्त बेंच आज बड़वानी में विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करेगी और सतना जिले की नगरीय निकाय और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के निरीक्षण का कार्य में किसी भी प्रकार की शिकायत 28 मई तक कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।